कि पिछड़े समाज के लोगों को एक बार ये सर्वे करके जरूर देख लेना चाहिए कि जब तक पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू नहीं हुआ था तब तक उनके समाज के कितने लोग कॉलेज में प्रोफेसर बन पाए, पिछड़े समाज के कितने लोग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए, कितने लोग जुडिशियल ऑफिसर बन पाए, कितने लोग आईएएस आईपीएस बन पाए, और आरक्षण लागू होने के बाद 1993 में जब आरक्षण लागू हुआ उसके बाद पिछड़े वर्ग के लोग धीरे धीरे से आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर साइंटिस्ट बनने लगे। लेकिन जहां अभी तक आरक्षण लागू नहीं है जरा एक बार उसका भी डाटा चेक कर लीजिए कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में और देश के उच्च न्यायालयों में पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के कितने लोग जज बन पाए। आपको अंतर समझ आ जाएगा। और साथ में एक चीज और समझने की जरूरत है, ये जो ईडब्ल्यूएस के नाम पर जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षण लागू किया गया, इस आरक्षण की डिमांड किसी ने नहीं की थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के लिए कोई आंदोलन भी नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के लिए कोई सर्वे भी नहीं हुआ, कोई कमीशन भी नहीं बैठा, और चार दिन के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया। एक दिन कैबिनेट में पास हुआ, अगले दिन लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा का सत्र खत्म हो रहा था, आखिरी दिन था, उसका एक दिन बढ़ाया गया और एक दिन के अंदर राज्यसभा में पास हुआ, और उससे अगले दिन राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर किया और उसी दिन नोटिफिकेशन हो गया। चार दिन के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जिसकी टोटल जनसंख्या 12% है, उसके लिए 10% आरक्षण लागू कर दिया। और एक तरफ पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो हजारों साल तक संसाधनों से वंचित रहे, सम्मान से वंचित रहे, उनके आरक्षण की डिमांड वर्षों तक चली, हजारों प्रदर्शन हुए और कई कमीशन बैठे। 1951 में काका कालेलकर आयोग बना, उसकी रिपोर्ट आई, खत्ते में डाल दी। जब जनता गवर्नमेंट बनी तो प्रोफेसर मंडल जी के नेतृत्व में, बीपी मंडल जी के नेतृत्व में फिर से कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, वो खत्ते में डाल दी। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और 7 अगस्त 1990 को उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, जिनकी संख्या देश में लगभग 52% है, उनके आरक्षण की घोषणा की तो पूरे देश के अंदर बवाल आ गया। सरकारी संसाधनों को आग लगाई गई, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पे तो कोई बवाल नहीं हुआ, उसके लिए तो किसी ने डिमांड भी नहीं की थी, उसके लिए तो कोई कमीशन भी नहीं बैठा था, और वो समाज अंडर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था बल्कि ओवर रिप्रेजेंटेशन था। फिर कौन से ऐसे कारण है जिस कारण को भारत के दलित पिछड़े आदिवासियों को समझ लेना चाहिए
कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लागू करने के लिए लंबे आंदोलन के बावजूद 43 साल लगे और 52% की जनसंख्या को 27% वो भी ढंग से लागू नहीं हो पाया। लेकिन जनरल कैटेगरी के 12% लोगों के लिए 10% आरक्षण बिना मांगे, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी कमीशन के, बिना किसी आंदोलन के 4 दिन के अंदर लागू हो गया। इस बात से आपको अंतर समझ लेना चाहिए। ये लोग कितने साजिश करते हैं, इनकी एक साजिश में आज आप सबके सामने उजागर करना चाहता हूं। सरकार के पैसे पर यानी जनता के पैसे से देश में बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाए, मैनेजमेंट कॉलेज बनाए और आज एक साजिश के तहत उन्हीं कॉलेजेस के अंदर पढ़ने का खर्चा इतना बढ़ा दिया कि अगर आपको अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराना हो तो 4 साल की इंजीनियरिंग के कोर्स को करने के लिए 10 लाख रुपया से ज्यादा रुपया चाहिए। क्या दलित पिछड़े आदिवासी के 98% लोग अपने एक बच्चे की इंजीनियरिंग का कोर्स कराने के लिए क्या 10 लाख से ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं? क्या आखिर ये सरकारी खर्चे पर, जनता के पैसे पे इतने बड़े बड़े कॉलेज क्या केवल पैसे वाले लोगों के बच्चों के लिए बनाए थे? क्या ये हमारे लोगों को ये बात समझ में आएगी? आपके यानी आपके जनता के पैसे पे ये कॉलेज इसका निर्माण हुआ और उसके बाद उनके पढ़ने का खर्च इतना बढ़ा दिया, जिनके पैसे से कॉलेज बने उन्हीं के बच्चे उन स्कूलों में, कॉलेज में ना जा पाए। कितनी बड़ी साजिश है। देश के अंदर जितने संस्थान बने, चाहे ONGC हो, चाहे पेट्रोलियम कंपनियां हो, चाहे बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनियां हो, चाहे TDC के होटल हो, जनता से, जनता के पैसे से उनका निर्माण हुआ और उसके बाद साजिश के तहत उन्हीं कंपनियों को घाटे में दिखाकर ओणे पोणे दाम पर अपने मित्र दोस्त पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया। देश को बेचने वाले राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। गाय को अगर कोई मार दे, चाहे साबित भी ना हो किसने मारी, केवल संदेह मात्र पर अगर लोगों की हत्या कर देते हैं, लेकिन जब दलितों की हत्या करते होती है तो चुप्पी साध लेते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कोई जरूरत है जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट कर उनकी हत्या करती हो? क्या आपको ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है जो मूछ रखने पर हमारे युवाओं की हत्या कर देती हो? क्या आपको ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है जो घड़ा छूने पर हमारे बच्चों की हत्या कर देती हो? क्या आपको ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है जो मंदिर प्रवेश करने पर, मूर्ति छूने पर हमारे बच्चों की हत्या कर देती हो? क्या आपको, हमें सबको क्या ऐसी सामाजिक व्यवस्था में बने रहना चाहिए जो हमें गुलाम बनाए रखना चाहती हो? क्या ऐसी सामाजिक व्यवस्था में हमें बने रहना चाहिए जो रोज रोज हमारा अपमान करती हो? अगर ये अपमान हमारा हजारों साल से हो रहा है, या हम लोग जो इतना पिछड़ गए हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को यानी बुद्ध के धम्म को छोड़कर ऐसी असमानता पर आधारित, अन्याय पर आधारित व्यवस्था के हम हिस्सा बन गए। आपको तो गर्व करना चाहिए था
कि वो बुद्ध का धम्म जो भारत से गया और पूरे दुनिया ने उसको स्वीकार करके तरक्की कर ली, और आप सबने अपने बुजुर्गों के उस धम्म को, बुद्ध के धम्म को छोड़कर जाति के ऊपर आधारित, छुआछूत पर आधारित, वर्णव्यवस्था के ऊपर आधारित सामाजिक व्यवस्था को अपना लिया। अरे कैसे लोग हो जो अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को छोड़कर, जिसको पूरे दुनिया ने स्वीकार करके तरक्की कर ली, और तुमने उसको त्याग कर जातिवाद पर आधारित, वर्णवाद पर आधारित, छुआछूत पर आधारित व्यवस्था को अपनाकर अपना बेड़ा गर्क कर लिया। कब तक इस सामाजिक व्यवस्था के हिस्सा बने रहोगे? कब तक बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? तुम्हारा खून पानी बन गया है क्या? क्या तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आती? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मेहनत को तुम लोग क्यों खराब कर रहे हो? अरे सोच के देखो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने चार चार बच्चों को गवा दिया, अपनी जवान पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को गवा दिया। किसके लिए गवाया? हमारे राम के, सबके लिए गवाया। बाबा साहब ने सपना देखा था कि मैं इस जातिवाद और धर्म, ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था को त्याग कर अपने समाज को बौद्ध में बनाऊंगा, ताकि हमारे लोगों को इस उत्पीड़न से, इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। उन्होंने कहा था मी भारत बौद्ध में करी, लेकिन दीक्षा लेने के एक महीने 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और बाबा साहब का वो सपना, बौद्ध में भारत बनाने का सपना, सपना रह गया। क्या हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी निकम्मा व नकारा औलाद है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा न कर सके? क्या हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को, जिन्होंने चार चार बच्चे और पत्नी माता रमाबाई को गवा दिया, उनकी कुर्बानी को बेकार कर देंगे? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, अपने समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन इस लड़ाई में अगर कोई चीज बाधा है, तो वो समाज के अंदर जो बिखराव है, जो जाति और वर्ण में हम लोग बटे हुए हैं। हम सब लोग कहते हैं कि जाति की वजह से हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है। अगर जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न होता है, तो जब तक आप जातियों में बने रहोगे, क्या तब तक तुम्हें जातिगत उत्पीड़न से छुटकारा मिल जाएगा क्या? ईमानदारी से बताइए, क्या उत्पीड़न से छुटकारा मिल जाएगा क्या? आप लोग की चुप्पी सवाल पैदा करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करना चाहते हैं, वो लोग अपने जगह बैठे हुए दोनों हाथ एक बार पूरी तरीके से खड़े कर लें। जो अपने बच्चों के अंधकार से निकाल कर प्रकाश की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो दोनों हाथ खड़े कर लें। जो बहन बेटे की इज्जत के लिए, अपने युवाओं के स्वाभिमान के लिए, अपने समाज के सम्मान के लिए अपने आत्मबल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने समाज की इज्जत आबरू के लिए एकजुट होना चाहते हैं, जातियों को तोड़ना चाहते हैं, बुद्ध के दम में दीक्षित होना चाहते हैं, वो लोग अपने हाथ खड़े कर लें। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये लड़ाई हमें लड़नी होगी, और ये लड़ाई चुप रहने से नहीं होगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। इस लड़ाई को लड़े बिना छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अगर बिल्ली को देखकर कबूतर आंख मीच ले, तो मुझे बताइए क्या कबूतर की जान बच जाएगी? कबूतर की जान नहीं बचेगी, उसको उड़ना होगा। तो जिस सामाजिक व्यवस्था में जात है, छुआछूत है, वर्ण है, बंटवारा है, अन्याय है, शोषण है, उत्पीड़न है, उस सामाजिक व्यवस्था में बने रहोगे तो कभी भी तुम्हें छुटकारा मिलने वाला नहीं है। उससे छुटकारा का तो एक ही रास्ता है, जाति तोड़ो, समाज जोड़ो।
जाति छोड़ो समाज जोड़ो। इन जातियों को छोड़ना होगा, जातियों को तोड़ना होगा और समाज को जोड़ना होगा। जब तक हम जातियों को नहीं तोड़ेंगे तब तक छुटकारा मिलने वाला नहीं है। हम लोग किनवट के अंदर 12वीं जागतिक बौद्ध धम्म परिषद मना रहे। इस आयोजन के अवसर पे कम से कम एक बात का तो संकल्प कर लो कि अब हम लोग जातियों को हर कीमत पर तोड़ेंगे, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं या नहीं है? तैयार हैं? तैयार नहीं होंगे तो गुलामी से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। याद रखना, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर देकर गए थे, बड़ी ताक तपस्या और बलिदान से देकर गए थे, उसमें से 70% तो इन सरकारों ने छीन लिया, 30% बचा हुआ है। अगर आप लोग इसी तरह जातियों में बटे रहे, एकजुट नहीं हुए, अगर आप लोग वोट बैंक बने रहे, अगर अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए एकजुट नहीं हुए, तो ये 30% आने वाले 10 से 15 सालों में छीन जाएगा। क्योंकि जो हमारा थोड़ा बहुत तरक्की हुई है ये बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन की वजह से हुई है। उन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में रिजर्वेशन दिया तो हम पढ़ लिख गए, उन्होंने नौकरी के क्षेत्र में रिजर्वेशन दिया तो हम लोग नौकरी में आए, थोड़ा पैसा कमाया, उन्होंने राजनीति में रिजर्वेशन दिया तो हम MP MLA और मंत्री बन गए। हम ये भूल गए हम जो कुछ भी बन पाए हैं वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के त्याग तपस्या कुर्बानी और बलिदान की वजह से बन पाए थे। लेकिन उनके उस बलिदान को हम लोगों ने खराब कर दिया। हमारी आंखों के सामने हमारे रहते हुए उन्होंने पढ़ाई का खर्चा इतना महंगा कर दिया कि हमारे बच्चों से उन्होंने पढ़ाई को छीन लिया। अब हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास इतना पैसा है नहीं है कि वो अपने बच्चों के हायर एजुकेशन का खर्चा उठा पाए। और देश के सरकारी संस्थानों को उन्होंने एक एक करके बेच दिया, जो संस्थान बिक गया वहां आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया, यानी कि आपकी नौकरी भी गई और आपकी पढ़ाई भी गई और आप लोग केवल वोट बैंक बने रहे। कभी ए का वोट बैंक, कभी बी का वोट बैंक, कभी सी का वोट बैंक, आप लोगों ने अपनी वोट की कीमत को नहीं समझा। अरे याद करो, जब भारत आजाद होने वाला था, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत का संविधान लिख रहे थे, संविधान सभा के सामने एक प्रश्न था कि भारत आजाद होने वाला है, अब हम अपनी सरकार चुनेंगे तो वोट देने का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए। ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य यह चाहते थे कि वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे करने वाले लोगों को, बड़े जमींदारों को और केवल ग्रेजुएट को मिलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने सोचा कि संविधान सभा के सदस्य हमारे देश के 90% लोगों को, देश के दलित पिछड़े आदिवासी और महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं देना चाहते, क्योंकि देश में दलितों पिछड़ों आदिवासियों और महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, इसलिए हमारे लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए, यानी उनको तो वोट का अधिकार मिलना नहीं था, उनको संपत्ति और व्यापार का भी अधिकार नहीं था, इसलिए वो व्यापारी नहीं बन पाए, तो इनकम टैक्स पे ही भी नहीं बन पाए, जमींदार भी नहीं बन पाए। इसका मतलब हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलना था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने अपने बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से, अपने आर्ग्यूमेंट से संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा और सबके वोट की कीमत बराबर होगी। लेकिन हम लोगों ने अपनी वोट की कीमत को समझा नहीं, शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में, 10-5 किलो अनाज में अपने वोट को बेच दिया। और जिन लोगों ने, जिन पूंजीपतियों के पैसे से हमारी वोट को खरीदा, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों पूरे देश को और हमारे बच्चों के भविष्य को बेच दिया। लेकिन हमारी आंखें अभी भी नहीं खुल रही, हम अभी भी वोट बैंक बने हुए हैं, थोड़े से अनाज में वोट बेच रहे हैं, शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में वोट बेच रहे हैं। ये वोट बैंक बनना बंद करो मेरे दोस्तों, अपनी ताकत, वोट की ताकत को पहचानो।
माननीय कांसीराम कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन एक बच्ची मां वर्धा में बोल रही थी, आजकल तो जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो बच्ची सही कह रही थी। अब आप सोच लो, क्या केवल पैसे वाले लोगों के हाथ में सत्ता और संसाधन होना चाहिए? क्या केवल उन्हीं के बच्चों का अफसर बनना चाहिए? क्या आपके बच्चों का अफसर नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। कैसे बनेंगे? बनेंगे कैसे? उसके लिए जो हायर एजुकेशन चाहिए, उस हायर एजुकेशन के खर्चे को सरकारों ने एक साजिश के तहत इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आपके बच्चे अब हायर एजुकेशन ले ही नहीं पाएंगे। और जब वो हायर एजुकेशन ले ही नहीं पाएंगे तो फिर वो अफसर कहां से बनेंगे? आपके बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का 25 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा के सामने उन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने इस बात पर चिंता जताई थी कि भारत आजाद बने रहेगा फ्यूचर में या नहीं, हमारे लोगों की आजादी बची रहेगी या फिर से गुलाम तो नहीं हो जाएंगे, इस बात को लेकर उन्होंने दो चिंताएं जाहिर की। उन्होंने कहा, मेरी पहली चिंता तो यह है जिस दिन भारत के लोग देश से ऊपर धर्म को मानने लगेंगे उस दिन भारत अपनी आजादी खो देगा। और दूसरी चिंता यह थी उनकी, जिस दिन भारत के लोग किसी नेता के सामने इतने अंतभक्त हो जाएंगे, इतने अंधे हो जाएंगे कि उस नेता के को इतना मुक्त कर देंगे वो तानाशाह होकर उसी जनता के सारे हक अधिकार छीन कर देश को बेच दे और तब भी वो चुप्पी साधे रहेंगे, उस दिन भारत फिर से गुलाम हो जाएगा, भारत के लोग फिर से अपनी आजादी खो देंगे। और आज वो स्थिति आ चुकी है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की वो दोनों चिंताएं सही साबित हुई। एक तरफ भारत में आजकल बहुत सारे लोग धर्म को देश से ऊपर मानने लगे हैं और एक नेता के प्रति इतने अंधभक्त हो गए कि उस नेता ने देश के सारे संसाधनों को बेच दिया और लोग चुप हैं, यानी कि देश फिर से गुलामी की तरफ बढ़ चला है। अगर देश को फिर से गुलाम होने से बचाना चाहते हो, अगर आप नहीं चाहते आपके बच्चे फिर से गुलाम हो जाए, तो जाति छोड़ो और समाज जोड़ो की परिकल्पना के साथ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जो सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, उसको साकार करो। अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापस आओ और अपनी वोट की कीमत को पहचानो। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाओ जो लोग देश को बेच रहे हैं, जो आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं, जो आपके हक अधिकार को छीन रहे हैं, जो आपके स्वाभिमान को कुचल रहे हैं, जो आए दिन जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करने वाले लोगों को बढ़ावा देते हैं। और ऐसे नकली साधु संत जो रोज रोज लोगों की गर्दन काटने पर इनाम घोषित करते हैं, ऐसे लोगों को मुकदमा बनाकर जेल में डालने का काम नहीं करते। ऐसी सरकारों को सत्ता से बाहर फेंकने का समय आ गया है, क्योंकि संविधान के खिलाफ ये सरकारें काम कर रही हैं। अरे जो सरकारें लोगों के पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, जो सरकारें लोगों को इलाज का खर्चा ना उठा पाए, ऐसी सरकारों को तो वैसे भी सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी सरकारों को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। अब समय आ गया है, अपनी ताकत को पहचानो, समाज को एकजुट करो और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करो। किसी के भी साथ अन्याय हो, जुर्म हो, उसकी जाति और धर्म मत देखना। कमजोर के साथ खड़े होने वाला ही मजबूत होता है।